एक अर्जी मेरे ओके मुंडा प्यार जीत जाएगा थोड़ी देर। हे गाइस वेलकम बैक विद अनदर रिएक्शन वीडियो। सो आज ऐसी रिएक्शन करेंगे कैसी तेरी खुदगर्जी। एंड पाकिस्तानी ड्रामा है, काफी फेमस हो रखे ड्रामा है। इस दे ओएसटी नु गाया राहत फतेह अली खान साहब ने। ओएसटी देखते हैं, ओएसटी दे नाल भी सानू काफी कुछ पता लग जाता है। बाकी जो नहीं भी पता लगे तुम मैंने कमेंट करके दस दो इसके बारे। सो वीडियो स्टार्ट करने तो पहले जो इस चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया छेती कर दो चैनल सब्सक्राइब। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक बार जब ये मोहब्बत किसी को म्यूजिक इतना प्यार देती है ना तो फिर बेहद होती है। एक बार मोहब्बत किसी को सिर्फ मेरी है मोहब्बत को भरे बाजार में रुसवा किया तूने ऐ सौदा। कितनी प्यारी लग रही है ना वैसे दिल के ये क्या सौदा किया तूने ये कैसी तेरी खुदगर्जी सुनी ना दिल की कर्जी मेरे ना सुना दे। ओके मुंडा प्यार जीत जाएगा थोड़ी देर। मुंडा गैंगस्टर है। कोई भी चीज किसी से मांग के हासिल नहीं। कैसे अंकल तेरी मर्जी ये कैसी तेरी खुदगर्जी ये कैसी तेरी खुदगर्जी। आज रात काम हो जाना चाहिए। मैं सांसा हरी हरी मैं रुल दिया मारी मारी मैं सांसा हरी हरी छोड़ दो मेरी बेटी का पीछा प्लीज। मुझे तुझसे गिला बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। मैं मानता हूँ मेरा तरीका अलग है लेकिन मोहब्बत तो फिर भी करता हूँ ना। मुझे बस गुजरना ही नहीं मुझको तेरी गलियों से। ऐसा क्या है इस लड़की में? इस लड़की में मैं हूँ। मैं उसे हर कीमत पर ढूंढ निकालूंगा। तेरी मंजिल भी झूठी है तेरे ख्वाब है खोटे तेरी राह। मुंडा चेंज हो जाएगा मुझे लग रहा है। कुड़ी पीछे ना बदल जाएगा। बहुत प्यार करता है कुड़ी में वैसे। माँ परेशान हो रही तेरी मर्जी सुनी नफरत है मुझे तुमसे नफरत तुम्हारे वजूद से तुम्हारी हर सांस से नफरत है मुझे। गाया है भाई एक ता मतलब इतना प्यारा गाया है सैर गुल खान और राहत फतेह अली खान। मैं लिटरली उन्होंने की आवाज तो सुन नहीं रहा सीगा और ओएसटी ने पूरा सुनिया मतलब बहुत ज्यादा हर्ट ब्रेकिंग है। मतलब एक तरफ मतलब मुंडा प्यार भी करता है बट जो मुंडे का तरीका है वो काफी ज्यादा गलत है और स्टार्टिंग ही इतनी ज्यादा गलत हुई है ना। मतलब वो कुड़ी के फादर साहब के नाल अब्बू जान के साथ वो लड़ाई कर रहा होता है। वो क्यों लड़ाई कर रहा होता है मुझे नहीं समझ आई। उन्होंने लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी उस टाइम पे प्यार नाल गल करता बट लेकिन हाँ उन्हें थोड़े थोड़े टाइम तक तो गैंगस्टर वाइब थोड़ी दिखाई है अपनी कि वो बदमाश भी है। मतलब एक वड्डे घर का मुंडा हैगा बट लेकिन कुड़ी नू मुंडा बिल्कुल भी नहीं पसंद। कुड़ी नू उन्हें जबरदस्ती रखा सी अपने घर विच भी लेके आ गया मैंने लग रहा है इदा दी कोई स्टोरी है। बट लेकिन दोनों इन्ने ज्यादा प्यारे भी लग रहे हैं ना एक तरीके ना। जो इन्हां दे एक्सप्रेशंस है कुड़ी तो काफी ज्यादा सोहनी लग रही मैनू। जो इन्हां दा अग्रेशन है जेड़ा इन्हां दा गुस्सा है मतलब उस कुड़ी लई मैनू कुड़ी चाहिदी है खाली मैनू उहदे नाल प्यार है तो मैनू उही चाहिए। आए सामने कोई भी आ जाए बस मुंडा लड़न लई तैयार बैठा। एंड मैनू इहदा एंडिंग नहीं पता कि
ਬਈ ਐਂਡ ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਮਿਲ ਪਾਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਏਗੀ, ਕੀ ਪਤਾ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੇ, ਬਟ ਅਗਰ ਮੁੰਡਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਚ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਪੈ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਯਾਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਹੀ ਲਏਗੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਓਐਸਟੀ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜੋ ਇਹਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ। ਉਸਤਾਦ ਰਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਐਂਡ ਹੈ ਬਾਈ। ਅਨੇ ਉਸਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਚੈਨਲ ਤੁਸੀਂ ਨਏ ਹੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਛੇਤੀ ਕਰ ਲਿਓ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਰੱਬ ਰੱਖ।